दोस्तों साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका खोज लिया है जो कि आपके सलाइवा और टीयर्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं। तो ये कब और कहां और कैसे किया गया मैं सुखिल बाहुली आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, और आप देखते रहे इपॉक्सी ऑटोटैक्स। तो दोस्तों साइंटिस्ट ने जो वे खोजा है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है वो किया है टीयर्स और सलाइवा के थ्रू। अभी जो खोज की गई है वो की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रिक के अंदर, जहाँ पर ये प्रेजेंट है आयरलैंड के अंदर। वहाँ के रिसर्चर्स ने एक ऐसा प्रोटीन खोजा है जो आपके टीयर्स और आपके सलाइवा के अंदर मौजूद होता है। उस प्रोटीन का नाम है लाइसोजेम। इस लाइसोजेम प्रोटीन को यूज करके इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेशन किया जाता है। लाइसोजेम एक प्रोटीन है जो कि मौजूद होता है आपके टीयर्स के अंदर, सलाइवा के अंदर, मिल्क के अंदर, म्यूकस के अंदर और एग वाइट के अंदर। लाइसोजेम एक एंजाइम है जो कि ब्रेकडाउन करता है आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल्स का। अब यहाँ पे जो लाइसोजेम है उसका क्रिस्टलिक फॉर्म को यूज किया जाता है। क्रिस्टलिक फॉर्म को यूज करके दो ग्लासेस के बीच में उसको रखा जाता है और उसके ऊपर मैकेनिकल स्टेप दिया जाता है और यहाँ से आपको पीजी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब पीजी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे चार्ज एक्युमुलेट होते हैं और इससे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब पीजी इलेक्ट्रिसिटी पहले भी प्रोड्यूस की जाती थी पीजी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के थ्रू, जहाँ पर यूज किया जाता था क्रिस्टल एज ए आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज करना करके यहाँ पे यूज किया गया लाइसोजेम प्रोटीन का एज ए क्रिस्टलिक फॉर्म के अंदर। और लाइसोजेम प्रोटीन का यूज करने का मतलब ये एक बायोलॉजिकल मटेरियल है और बायोलॉजिक मटेरियल होने के साथ ही साथ में ये एक नॉन टॉक्सिक मटेरियल है। अब यहाँ पे क्वार्ट्ज मेटल को रिप्लेस कर दिया गया है आपके लाइसोजेम के थ्रू और ये एक पीजोइलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है जो कि क्रिस्टल को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे क्रिस्टलिक फॉर्म को यूज किया जा रहा है लाइसोजेम प्रोटीन को, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जा रही है। एज ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है और नॉन टॉक्सिक मटेरियल है, इसी कारण से हम इसको यूज़ कर सकते हैं मेडिकल सेक्टर और मेडिकल इम्प्लांट्स के अंदर। ऐसे में इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है क्योंकि यहाँ पे गुटखा थूक देते हर जगह जगह पर, रोते भी बहुत हैं, यानी आपका रोना वेस्ट नहीं जाएगा, आपका थूकना वेस्ट नहीं जाएगा, आप पैदा कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों ऐसे में ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा शानदार है और आने वाले टाइम में शायद रिप्लेस कर देगी आने वाली पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो प्रेजेंट है क्वार्ट्ज क्रिस्टल को एज ए नेक्स्ट जनरेशन के रूप में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप जरूर लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि कोई सजेशन है यानी कोई आपके कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा अलग अलग तरीका है जिसके थ्रू जनरेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, आपके बॉडी में मौजूद है उसके थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बी सेफ।